नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सब दस्तक। आज एक पब्लिक मीटिंग रखी गई है साबरमती ढाबे पर, लेकिन पूरे JNU को एकदम किला में तब्दील किया गया है। देखिए, बैरिकेड लगा दिया गया और जो मैक्सिमम मूवी वैंस हैं वो अंदर हैं, लेकिन बहुत सारे पत्रकार जो हैं बाहर हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। पब्लिक मीटिंग की कॉल थी, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है और बैरिकेड लगाए हुए हैं। लोग जो मेन गेट है JNU का, उसके गेट के आसपास जमा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और मीडिया वाले उस तरफ हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और कुछ मेरे दोस्त हैं जो जुंटा के हैं, उससे मैं बात करूँगा। क्या लग रहा है सर, सब कुछ मतलब पुलिस में अच्छा लग रहा है? JNU के साथ ये लगा हुआ है, लेकिन अब तो बहुत बुरा वक्त है और बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। कब तक ऐसा चल सकता है, मतलब सस्टेन करेगा? ये कौन सा मॉडल है, मतलब ये पुतिन मॉडल, ट्रंप मॉडल, या इसे यूनिक मोदी मॉडल? भारतीय कोई बातचीत नहीं की जाए, सबसे बहुत आगे का है। पुतिन या ट्रंप, पुतिन का कुछ डिफरेंट है, ट्रंप के लिए वैसी संभावना नहीं है। ट्रंप ऐसा नहीं कर सकता, ना वो देश ऐसा करने देगा। हमारे एक नया प्रयोग हो रहा है और इसे गवर्नेंस ऑफ मोदी मॉडल कहा जा सकता है। नहीं, वो ऐसा ही उन्होंने गुजरात को कर रखा था, डरा रखा था पूरे गुजरात को, अब वो पूरे देश को डरा रहे हैं और JNU को भी डराना चाह रहे हैं। एक गुजरात प्राइवेट लिमिटेड की तरह, मैं जब गुजरात चुनाव कवर कर रहा था तो मैंने एक शब्द ईजाद किया था, गुजरात प्राइवेट लिमिटेड की तरह गुजरात चलता था और वो भारत प्राइवेट लिमिटेड करने में भी कामयाब हो गए। तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। JNU एक लास्ट इंस्टीट्यूशन है, जामिया JNU, यहाँ से आवाज़ें उठ रही थी और वहाँ भी इस तरह के हालात हैं कि उसको आम लोगों से तो एटलीस्ट काट दिया गया है। जो अंदर है वो अंदर है, बैरिकेड लगा दिया गया है और लोग पब्लिक मीटिंग के लिए कॉल थी उसके बाद जमा हुए थे। और ये देखिए, तो लोबियाल है जुंटा के लोबियाल हैं जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। सीताराम येचुरी है, बाहर ही गेट के बाहर है, बैरिकेड है, बहुत सारे लोग हैं। अरे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो एक पब्लिक मीटिंग की कॉल थी साबरमती ढाबे पर और बैरिकेड कर दिया गया पूरी तरह से। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो लोकल रेसिडेंट्स के लोग होंगे वो क्यों नहीं रेसिस्ट कर रहे होंगे, उनको क्या तकलीफ नहीं होती होगी जिस तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। और ये पूरी सड़क जो है बैरिकेड है, इससे आप ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। ये सड़क भी बैरिकेड है और सिर्फ वॉक करके आ सकते हैं आप, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर से वॉक करके आ सकते हैं। तो ये देखिए कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, पुलिस वैन है। तो JNU जो फ्री मूवमेंट के लिए जाना जाता है उसको पूरी तरह से चौक कर दिया गया है, जाम कर दिया गया है। और एक अजीब तरह की स्थिति है। मैम, ये पब्लिक मीट के लिए आए थे आप लोग मीटिंग के लिए, अब क्या लग रहा है, अब कोई रास्ता? देखिए, एक बात आप लोग तो सब लोग देख सकते हैं कि पुलिस जिस तरीके से बैरिकेड किया हुआ है, यहाँ पे जो आप कंपोजिशन देख रहे हैं ये सारे JNU के पुराने स्टूडेंट्स का है, जिनमें से काफ़ी बुजुर्ग हैं, कुछ अभी निकले हैं। और ये एक शांतिपूर्ण मार्च है, उसको JNU गेट तक जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने देखा 5 तारीख शाम को कैसे लाठी लेके, रॉड लेके, डंडा लेके गुंडों को, जो JNU के पुराने भी नहीं है, JNU के छात्र भी नहीं है, ABBP के गुंडे, उनको घुसने दिया गया। यहाँ तक कि कल भी RSS का मार्च था और ये बैरिकेड यहाँ पे लगा हुआ था। जो लोग स्लोगन दे रहे थे कि गोली मारो, जूते मारो, गाली गलौज चल रहा था, ऐसे लोगों को ये बैरिकेड क्रॉस करके गेट तक जाने दिया गया। तो यहाँ पे एक तरीके से ये नारा भी लगा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वर्दी पहने हर किसी के ऊपर हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमको पता है हमारे घरों से ही हमारे भाई, हमारे बहन पुलिस में जाते हैं। कोई नया गवर्नमेंट मॉडल दिख रहा है? अमित शाह के ओर से जो इंस्ट्रक्शन है
वो पुलिस फोर्स पे यही है, ठीक जैसे गुजरात में हुआ था कि कुछ देर के लिए आप प्रशासन को मृत कर दीजिए, आप गुंडों गुंडे तत्वों को, आप जो है दंगाइयों को आप कह दीजिए कि जाओ दहशत मचाओ, और उस समय प्रशासन कुछ नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन ये पूरा स्ट्रीट लाइट ऑफ करके रखी थी, आरएसएस वाले गुंडे मचा रहे थे उनको होने दिया गया, और कल भी आरएसएस वालों को घुसने दिया। तो ये बात साफ अब ये है कि अमित शाह को अगर लग रहा है कि वो सिर्फ अपने एग्जीक्यूटिव पावर से लोगों के आवाज को दबा पाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपका एग्जीक्यूटिव पावर कोई मान नहीं रहा है, देश में सिविल डिसोबीडियंस चल रहा है, आपके ऑर्डर्स का बॉयकॉट चल रहा है, तो इसलिए अमित शाह जी आप जो है लोकतंत्र के हत्या करने का कोशिश करेंगे तो वो माना नहीं जाएगा। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो सारी चीजें उन्होंने बयां कर दी है, और उस तरफ जो है 19-20 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, तो मैं जेएनयू के गेट पर हूँ और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। सर आशुतोष सर से एक सवाल पूछ रहा हूँ। आशुतोष हैं, आप सब लोग जानते हैं सर, मतलब ये कौन सा मॉडल है? मॉडल बहुत फेमस है आजकल भारत में, गुजरात मॉडल, इसे न्यू काइंड ऑफ गवर्नेंस मॉडल। मॉडल एक ही था, जर्मनी में था, हिटलर का मॉडल, ये वही मॉडल है। सड़क पे मारेंगे, कैंपस के अंदर मारेंगे, सरकार के अंदर मारेंगे, जहाँ मिलेंगे वहाँ मारेंगे। लेकिन एक समर्थन तो है, जाहिलों का एक गैंग है। लेकिन सर एक बड़ा तबका है इस देश का, पढ़ा लिखा एलीट तबका, सितलपी सिंह के शब्दों में कहें तो सवर्ण तबका, जो इस मॉडल के साथ है। नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो जाहिल लोग हैं। पढ़ने लिखे तो बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते हैं, जाहिलों का एक गैंग आ गया है, इसलिए चिंता मत करिए। पहले सर सरकार के खिलाफ आंदोलन होता था, सरकार के खिलाफ, लेकिन उसके समर्थक सड़कों पर नहीं उतरते थे, हो सकता था उनका माइंडसेट होता था, किसी पार्टी से जुड़े होते थे, लेकिन वो परसेप्शन टूट गया। आप सरकार के या तो आप साथ हैं या खिलाफ है, साथ के लिए भी प्रदर्शन हो रहा है, खिलाफ के लिए भी प्रदर्शन हो रहा है, तो इससे आप डेमोक्रेसी में कैसे देख रहे हैं? लंबी पत्रकारिता में आपने देखा है इस तरह की चीजें? सरकार के साथ हो सरकार के खिलाफ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार के साथ उससे कोई फर्क तब पड़ता है जब आप डंडे के जोर से अपनी बात बनवाना चाहते हैं। तो आज की तारीख में अगर आप उनसे नहीं बात करेंगे तो आपके हाथ पैर तोड़ेंगे। ये नहीं, जैसे आपने अन्ना आंदोलन करीब से देखा था, वहाँ था कि सरकार के खिलाफ असंतोष था, लोग सड़कों पर थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थक होंगे लेकिन वो सड़कों पर नहीं आते थे। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, वो चेंजेज एक नया तरह का ट्रेंड दिख रहा है। ये बिल्कुल नया है अपने आप, जो लोग आज सत्ता प्रतिष्ठान पे मौजूद है, ये लोग, इनका लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है, ये लोकतंत्र में इनका कोई यकीन भी नहीं है। इनका जो जिस राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो दरअसल लोकतांत्रिक है ही नहीं, ये सिर्फ लोकतंत्र का इस्तेमाल करके उस हद तक पहुंचना चाहते हैं जहां हमारे आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। एक एक्सपर्टीज वाला आपका सवाल है सर, आपने लंबे समय से पत्रकारिता देखी है, न्यूज रूम का आपने डिबेट शुरुआती लोगों में से है, जो टेलीविजन का जो मॉडल बदला है उसको कौन सा मॉडल लेंगे? कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि सिर्फ दो लोगों को खुश करने के लिए सारे चैनल्स चल रहे हैं, आप एग्री हैं या वहाँ से भी आवाज़ें कुछ ना कुछ आ रही है? आप उन लोगों को पत्रकार कह के आप पत्रकारिता का अपमान मत करिए, कृपया करिए, वो पत्रकार नहीं है सर, मैं तो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ, टेलीविजन अखबार एक बड़ा है, आप पत्रकारिता का अपमान न करिए उनको, पत्रकार क्या कहा जाए सर? कुछ नहीं कहिए आप, बस है पत्रकारिता के नाम पे वो कलंक है। तो वजह क्या है, सिर्फ सरकार से लोग डरे हुए हैं पत्रकार, या उसका कोई वैचारिक सहमति है उनका इन मुद्दों के साथ, चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो? तीनों चीजें हैं, पहली बात तो डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा है डरे हुए हैं, दूसरी बात है उनकी समझ भी नहीं है, तीसरी बात ये कि सत्ता के साथ जुड़े रहो तो मलाई काटते रहो, तीनों चीजें हैं, उसमें तीनों चीजों का मिश्रण है, और जिनकी रीढ़ की हड्डी है, जो चीजों को समझते हैं, वो आज भी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, अखबारों के अंदर बहुत सारे लोग हैं, टीवी में भी बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आ गए हैं और शायद बहुतायत भी इस वक्त है जो जिनको पत्रकार कहना पत्रकारिता। पहले सुओ मोटिस नोटिस बहुत होता था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट छोटे छोटे मामलों पर संज्ञान लेती थी, लगता है कोई भी इंस्टीट्यूशन इस देश में, सी ए जी का लोगों ने दौर देखा है, चुनाव आयोग का दौर देखा है, सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव का दौर देखा है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन आपको लगता है इस समय सक्रिय है या हम लोग बेवजह सवाल उठा रहे हैं? एक ही इंस्टीट्यूशन सक्रिय है, वो है मोदी जी और अमित शाह के, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से सरल। उसकी क्या वजह देख रहे हैं? वजह कुछ नहीं, कहा ना, डरे हुए लोग, जब आप डरने लगते हैं तो आपको चीज़ों की समझ नहीं होती। आप भी जेएनयू से हैं, आपने जेएनयू से पढ़ाई किया, जयशंकर जो आपके एमई हैं उन्होंने कहा है कि हमारे समय टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं था,
आपको लगता है कि मुखालफत की जो आवाज जेएनयू से हमेशा उठती रही है हमेशा से, ये लास्ट वॉयस होगा इस देश में, इसके बाद शायद अब कहीं से कोई आवाज ना है? नहीं, अब लास्ट वॉयस तो मैं नहीं कहूंगा, मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, इसका मतलब ये है कि जयशंकर जी ने मान लिया कि मोदी सरकार की इजाजत है। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और वो खुद खड़े होके यहाँ पहरेदारी करते हैं गुंडे को अंदर भेज। तो ये कोइंसिडेंस है या पूरा प्लान लगता है? बिल्कुल प्री प्लान, बिल्कुल प्री प्लान है, और इतना तक प्री प्लान है, हॉस्टलों में कौन से रूम में उनके बच्चे हैं, कौन से रूम में जो विरोधी है उनके भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी, और उन कमरों के अंदर हम हिंसा जो उनके एबीवीपी के एक भी एबीवीपी अम्बेडकर वाली आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी मम्मी डला से आजादी, तो अमित शाह से आजादी, तो मोदी से भी आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी। अरे हम क्या चाहते आजादी, अरे हम क्या चाहते आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, तो सारे बोलो आजादी, तो सारे बोलो आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो पूंजीवाद से आजादी, तो पूंजीवाद से आजादी, तो हिंसा से भी आजादी, तो हिंसा से भी आजादी रहेंगे। तो स्लोगन है ये आजकल प्रोटेस्ट में, और बैरिकेड है, आप अंदर नहीं जा सकते। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।